नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये मेरा लॉकडाउन के बाद सबसे पहला वीडियो है। और दोस्तों, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी दिनों से मुझे पूछ रहे थे कि हीरो का सुपर स्प्लेंडर 125 का वीडियो मैं कब लाऊंगा, तो दोस्तों लीजिए, आपके सामने हाजिर है नया हीरो सुपर स्प्लेंडर 125 BS6 वर्टिकल इंजन वाला मॉडल। जी हाँ दोस्तों, इसका जो लेटा हुआ इंजन है, जो कि हीरो का कन्वेंशनल इंजन रहा है, उसका अभी तक कोई भी न्यूज़ स्पष्ट तरीके से हमारे सामने नहीं है, और ये भी स्पष्ट नहीं है कि हीरो वो लाएगा या फिर नहीं। तो दोस्तों, फिलहाल आप जो मॉडल देख रहे हैं, ये वर्टिकल इंजन वाला नया इंजन वाला मॉडल है, और इसमें हीरो ने लगभग 8 से 10 नया नया चेंजेस लाए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजित। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पहली बार चैनल में है, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा के हमारे सारे लेटेस्ट कंटेंट से सबसे पहले बने रहिए। और दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऑटो स्मार्ट कोना हावड़ा में, जिनके शोरूम के एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके और भी ज़्यादा डिटेल्स आप जान सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। आप चाहे तो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पूरे बाइक में यहाँ पे चेंजेस लाई गई है बेसिक डिज़ाइन को सेम रखकर। दोस्तों, आप देख पाएंगे कि इसका जो ग्राफिक्स है, कलर्स है और लुक्स है, उसमें काफ़ी हद तक यहाँ पे हीरो ने चेंजेस लाने की कोशिश किया है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम प्राइसिंग की बात करें, तो पहले से लगभग 9,000 रुपये अब प्राइस नया BS6 मॉडल में इंक्रीज़ हो गया है। सबसे पहले अगर इंजन की बात करें, तो इंजन की पावर और टॉर्क अब पहले से कम हो गया है, यानी कि अभी आपको पावर मिलेगा 0.6 BHP कम और टॉर्क 0.4 BHP कम मिलेगा। अभी ये BS4 से BS6 कंप्लायंट हो चुका है, और जैसा हीरो कहता है, इसमें XSense FI सिस्टम यानी कि XSense फुल इंजेक्टेड सिस्टम आता है, और ये इंजन पैदा करता है 10.73 BHP पावर एट 7,500 RPM, और टॉर्क ये जनरेट करता है 10.6 Nm एट 6,000 RPM। सेल्फ और किक स्टार्ट दोनों ही अवेलेबल है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, यहाँ पे आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाएगा इंजन की पोर्शन में, और ये आप देख सकते हैं, ये खड़ा वाला इंजन है, लेटा हुआ इंजन ये नहीं है। अच्छी बात है कि इसमें किक है, क्योंकि अभी बहुत सारे बाइकों में से किक हटता ही जा रहा है, तो अच्छी बात है कि कम्यूटर्स की बात सोच के हीरो ने यहाँ पे किक को पहले जैसा ही रखा है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसके जो सस्पेंशन है, इसके जो चेसिस है, चेसिस को अब बदल दिया गया है। अभी इसमें नया डायमंड फ्रेम लाया गया है, यानी कि पहले की डाउन ट्यूब फ्रेम को हटा के इसमें नया डायमंड फ्रेम ऐड किया गया है, जो कि और भी अच्छी तरीके का स्पीड, परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी दे देगा। दोस्तों, एक और बहुत ही बड़ी चेंज है कि पहले की 4-speed गियरबॉक्स को हटा के अभी इसमें 5-speed गियरबॉक्स को ऐड किया गया है, जिसमें 1-down-4-up का गियर पैटर्न है। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है बाइक की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए। और दोस्तों, आप देख पाएंगे कि सामने की सस्पेंशन पर आपको 15 mm ज़्यादा ट्रैवल मिलेगा, और रियर की सस्पेंशन में 7.5 mm का ज़्यादा ट्रैवल मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा कैटलिटिक कन्वर्टर इसकी एग्जॉस्ट पाइप पर दिया गया है। और दोस्तों, जो यहाँ पे आप ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, ये भी 30 mm अभी बढ़कर 180 mm हो चुका है, यानी कि और भी ज़्यादा आपको राइडेबिलिटी बेटर मिलेगा। और सीट की जो लेंथ है दोस्तों, ये 45 mm पहले से बढ़ा दिया गया है, यानी कि कम्फर्ट के मामले में भी बाइक अब पहले से और भी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। दोस्तों, इसी के साथ साथ इसमें कलर्स और ग्राफिक्स का भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे चेंजेस हुआ है, और हेडलैम्प काउल कम्प्लीटली यहाँ पे बदल दिया गया है। और सुपर स्प्लेंडर जैसा तो अभी ये दिखता नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप को हटा के अभी इसमें हीरो की पैशन जैसा एक लुक इसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, क्रोम ट्रीटमेंट के साथ साथ। और ऊपर आपको हीरो की 3D एम्ब्लेम, जो कि नया इस सुपर स्प्लेंडर में मिलता है, वो देखने को मिल जाएगा। और एग्जॉस्ट डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं दोस्तों, एग्जॉस्ट डिज़ाइन भी पहले से चेंज्ड है, और जब आप नया गाड़ी लेंगे, तब एग्जॉस्ट पर आपको एक क्रोम की पट्टी लगाकर गाड़ी को डिलीवर कर दी जाएगी। और पीछे की बैकलाइट को भी आप देख सकते हैं, बैकलाइट का जो डिज़ाइन है वो भी चेंज्ड है। दोस्तों, कुल मिला के कोई भी LEDs यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, लेकिन सारी जो है लाइट्स अच्छे हैं, और इसमें आपको बल्ब टाइप ही मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे जो स्विचेस है, स्विचेस क्वालिटी मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि और भी बढ़िया स्विच क्वालिटी में इसमें हो सकता था, और हीरो की पेटेंटेड i3s फ्यूल सेविंग टेक्नोलॉजी इसमें आता है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें, तो इसमें इंजन मैलफंक्शन लाइट आ चुका है, लेकिन दोस्तों ये अभी तक एनालॉग है, और इसमें बहुत ही बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। अच्छा होता कि हीरो अगर एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले का इंतजाम यहाँ पर कर देता, तो मेरे ख्याल से बाइक में और भी अच्छा मीटर कंसोल हो सकता था, और भी ये वैल्यू फॉर मनी हो सकता था। इंडिकेटर्स की तरफ रुक करें दोस्तों, तो इंडिकेटर्स यहाँ पे नॉन फ्लेक्सिबल टाइप है, और यहाँ पे काफ़ी शार्प लुकिंग इंडिकेटर्स लगाए गए हैं। अच्छा होता कि अगर ये फ्लेक्सिबल कंपनी ने कर दिया होता तो। अब दोस्तों, इंजन की जो परफॉर्मेंस है, इंजन की परफॉर्मेंस थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन और भी ज़्यादा स्मूथ आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। कलर्स और ग्राफिक्स यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये कलर बेसिकली नेक्सस ब्लू कलर है, टोटल 4 कलर्स में ये अवेलेबल है, और 12 लीटर्स का पहले जैसा ही इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है।
दोस्तों यहाँ पे जो सीट हाइट है ये 800 mm का है, ताकि किसी भी हाइट के जो एवरेज इंडियन हाइटेड राइडर है वो इसको चला सके। और इंजन की जो माइलेज है, माइलेज अब पहले से काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर और टॉर्क इन दोनों में ही आपको कम देखने को मिलेगा, पावर और टॉर्क। और इसके साथ साथ इसमें FI आया है, तो इसके वजह से आपको लगभग यहाँ पे 55 के आसपास माइलेज इजीली इस बाइक से आप निकाल पाएंगे। दोस्तों बात करें सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाएगा, जो कि पहले से लगभग 15 mm ज़्यादा ट्रैवल देता है। और पीछे आपको वही एडजस्टेबल ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं, जिसके जो ट्रैवल है ये 7.5 mm बढ़ा दिया गया है। दोस्तों एक और अच्छी बात है कि अब सुपर स्प्लेंडर आपको डिस्क के साथ भी अवेलेबल है, जो कि पहले कभी नहीं था। फिलहाल जो आप मॉडल देख रहे हैं ये ड्रम ब्रेक मॉडल है, और आगे की तरफ आपको अलॉय व्हील्स के साथ आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको 18 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलेंगे। इसमें IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, जो कि बेसिकली कॉम्बी ब्रेक की तरह ही काम करते हैं। और दो तार इसमें गया है कि ताकि पीछे की ब्रेक दबाते तो आप फ्रंट का ब्रेक भी काफ़ी हद तक एंगेज होता है। तो आगे की तरफ आपको 80x100 साइज़ का टायर मिलेगा, और पीछे की तरफ 90x90 साइज़ का टायर मिलेगा। पीछे आपको 130 mm का सामने जैसा ही ड्रम ब्रेक मिलता है, और अगर आप डिस्क में लेते हैं तो आगे की तरफ आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर कर्ब वेट की बात करें तो 122 kg इसका ड्रम मॉडल का कर्ब वेट है, और 123 kg इसका डिस्क मॉडल का कर्ब वेट है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें 5-speed गियरबॉक्स आ चुका है, और पावर और टॉर्क में जो ड्रॉप हुआ है वो उससे काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। और इसमें डायमंड फ्रेम से थोड़ा सा ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी के मामले में और भी ज़्यादा आपको थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट्स ये बाइक स्कोर करता है। और दोस्तों हीरो की अगर सर्विस नेटवर्क की बात करें तो सर्विस नेटवर्क पूरे इंडिया में बहुत ही अच्छा आपको मिल जाएगा, और स्पेयर पार्ट्स भी काफ़ी सस्ते में आपको हर जगह पे देखने को मिल जाएंगे। और अच्छी बात है दोस्तों कि इसमें एक साइड स्टैंड इंडिकेटर भी डाला गया है, जैसे कि हीरो की हर गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। लेकिन मुझे पर्सनली अब अंत में मैं यही कहूँगा कि ये लगता है कि बाइक में और भी कुछ चीज़ें हो सकता था, जैसे कि फ्रंट में LED हेडलाइट हो सकता था, और डिस्प्ले में एटलीस्ट एक ट्रिप मीटर, जो कि पहले था अब हटा दिया गया है, एक ट्रिप मीटर हो सकता था, या फिर एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले कंपनी दे सकता था, या फिर डिजिटल एनालॉग का कॉम्बाइंड मीटर कंसोल यहाँ पे होनी चाहिए थी। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं ये वीडियो को एंड करूँगा, और आप बताइए कि आपको ये गाड़ी और ये अपडेट कैसा लगा है। मुझे ये अपडेट बस मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कुछ है, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक लगा है। और इसमें अगर लुक्स की बात करें, अगर सारी पूरी पैकेज को देखें, तो मुझे काफ़ी ठीक ठाक ये गाड़ी लगा है। बाकी आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताइए, और अगर आप इस बाइक को ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे शोरूम के नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है उसमें कॉल करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करता हूँ, स्टे सेफ, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कौन कोई लगे।